मेरठ के विद्युत भंडार के अंदर रात्रि में भीषण आग लग गई। भंडार के अंदर रखा सामान धू धू कर जलने लगा। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। आज सेंट्रल स्टोर मेरठ में जो मेरठ स्टोर के कैंपस के अंतर्गत दो स्टोरों में आग लगी है। स्टोरों में जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग मटेरियल, बैटरीज और प्रीपेड मीटर्स थे, इसमें आग लगी है। आग जो सूचनाएं प्राप्त हुई, आग लगभग 7:15 और 7:30 के बीच में लगी है। उसके बाद सूचना प्राप्त होने के बाद तुरंत फायर डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। सूचित करने के बाद आग पे काबू पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक तौर पर जो डीएम मुजफ्फरनगर, डीएम शामली, डीएम गाजियाबाद और हापुर से भी वार्ता करके उधर से भी गाड़ी मंगवाई जा रही है। आग लगने के कारण के संबंध में फायर डिपार्टमेंट और इस इंक्वायरी के बाद आग लगने की सही सूचना प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो आकलन के संबंध में जब आग बुझ जाएगी इसके बाद ही कुछ आंकड़े के संबंध में बता पाएंगे, मगर जो भी है दो में लगी है। और आग लगने के जो कारण के साथ आग के साथ जो भी जिम्मेदार है, जिम्मेदार भी तैर के कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें इसके संबंध में जो ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग की जाती है, उस सारे मटेरियल्स थे जो बाहर नहीं रख सकते थे, तो उसके अतिरिक्त प्रीपेड मीटर्स थे, कुछ मीटर्स भी हैं। तो अभी इसके डिटेल में अभी इसका इन्वेंटरी की जाएगी। हाँ, कुछ साल पहले भी इस गोदाम में आग लगी थी, तब भी कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध नजर आई थी, तो कोई इंक्वायरी सेटअप की है आपने? इस बात फिर आग लगी है, साल का आखिरी दिन है, आज तो एक तरीके से कल ही बचा है बस बीच में। इसके संबंध में इसमें इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाएगी और तुरंत इसमें कार्रवाई की जाएगी, और जो भी है जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तैर के कार्रवाई भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गोदामों में आग लगी थी, लगभग ये 7:30 बजे की घटना है और जनपद के 10 फायर टेंडर मौके पर आग बुझा रहे हैं और काफ़ी हद तक आग कंट्रोल कर ली गई है। सर, क्या रखा हुआ था इसके अंदर? अब इनका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, सारी जानकारी तो विद्युत विभाग ही दे पाएगा। हम लोग तो जभी से आग बुझाने में जुटे हुए हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया होगा, इसके बारे में विद्युत विभाग बता पाएगा, इसका आकलन वही कर सकते हैं। लंबा टाइम हो गया, 3 घंटे हो गए आग को लगते हुए, अभी तक काबू नहीं पाया गया। लगभग एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो आग लगी हुई थी गोडाउनों में थी और गोडाउनों का केवल एक ही मार्ग था और उस मार्ग के अंदर प्रवेश करना अग्निशमन विभाग को संभव नहीं हो पा रहा था, तो चारों तरफ से तोड़ के दरवाजे बनाए गए और आग को बुझाया गया। अब तक फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ी लग चुकी है? 10 गाड़ियां मौके पे हैं जनपद मेरठ की। कोई नहीं, कोई जान की कोई हानि नहीं है, कोई घायल नहीं है, कोई व्यक्ति जला नहीं है।